जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल उम्मीदों के प्रभात में। और आज का ये वीडियो आधारित है समुच्चयों के प्रकार पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए, सेकंड पार्ट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो कि जो पांच और प्रकार बचे थे, जैसे उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, अधि समुच्चय, घात समुच्चय, समष्टि समुच्चय। तो इन पर आधारित हम क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चयों को तथा उनकी संख्या भी लिखिए। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम उनकी संख्या, ये जो है उनकी संख्या के बारे में बात करेंगे। तो ये जो उनकी संख्या है, तो यहाँ पर हम आपको एक बताना चाहते हैं सूत्र, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या 2n होती है, जहाँ n अवयवों की संख्या है, जहाँ n बराबर अवयवों की संख्या, यानी कि जितने भी अवयव रहेंगे समुच्चय में उसको हम घात के रूप में लिख करके जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा उप समुच्चय होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पहला है, a में उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या। तो अब देखिए ए में अगर हम उप समुच्चयों की संख्या देखें तो यहाँ पर दो अवयव है और यहाँ पे जो ये है एक दो, दो अवयव है तो यहाँ हम दो रख दे रहे हैं। तो इस तरह से 2^2, इसका मतलब इसके 4 उप समुच्चय होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ए में उप समुच्चय संख्या 2^2 = 4। तो इसके उप समुच्चयों में देखिए, उप समुच्चय का जो परिभाषा है वो क्या कहता है, वो कहता है कि किसी भी समुच्चय के कुछ अथवा सभी अवयवों को लेने पर। तो यहां देखिए दो अवयव हैं, तो सबसे पहले कुछ, कुछ या सभी, तो जितनी भी संभावनाएं रहेंगी हम सबको लेंगे। यहां पर हम ए ले लेते हैं, इसके बाद दूसरा बी ले लेते हैं, तीसरा ए बी दोनों ले लेते हैं, इस तरह से हमारा दोनों है। अब देखिए अभी यहां पे हमारे टोटल आ रहे हैं 4, लेकिन यहाँ पे 1, 2, 3 ही है, तो एक संभावना बच रही कि हम एक भी ना लें। जी हाँ, तो इस तरह से हमारे ये क्या हो गए, उप समुच्चय हो गए। आगे बढ़ते हैं हम दूसरा नंबर पे, और यहाँ है हमारा बी। तो बी में सबसे पहले हम उप समुच्चयों की संख्या देखेंगे, बी में उप समुच्चयों की संख्या। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि हम यहाँ पे टोटल 1, 2, 3 अवयव हैं, तो यहाँ पे हम डालेंगे 2^3 और 2^3 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 8 होगा। तथा बी के उप समुच्चय कौन कौन से होंगे, बी के उप समुच्चय। तो यहाँ पर अगर हम बी के उप समुच्चय को देखें तो बी के उप समुच्चयों में यहां से लिखते हैं हम, तो देखिए सबसे पहले किसी भी समुच्चय के कुछ अथवा सभी अवयवों को लेने पर। तो यहां पे हम बारी बारी से पहले हम जो कुछ नहीं वाला है वो सबसे पहले ही ले लेते हैं, इसके बाद फिर सिंगल सिंगल लेते हैं, यहां पर 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से हमारे हो गए। इसके बाद हम अगर देखें तो मतलब जितनी भी संभावनाएं कुल बनेंगी अलग अलग हम सबको लेंगे, जैसे दो दो, अब दो दो ले रहे हैं, पहले हमने कुछ नहीं लिया, फिर सिंगल सिंगल लिया, फिर डबल डबल ले, तो 1, 2 हम ले सकते हैं, 2, 3 ले सकते हैं, 1, 3 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से टोटल हमारी जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अभी एक संभावना बची हुई, चूंकि देखिए हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे इसको जब लिखेंगे 1, 2, 3, तो इस तरह से हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उप समुच्चय हमारे टोटल हो गए। आगे बढ़ते हैं, अब ये है उचित उप समुच्चय और अधि समुच्चय, उचित उप समुच्चय और अधि समुच्चय। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जब उचित उप समुच्चय की बात है तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जो उचित उप समुच्चय होता है, देखिए ये ध्यान देने की बात है, उचित उप समुच्चय की परिभाषा ये कहती है कि यदि कोई समुच्चय किसी का उप समुच्चय है तो
तो वो उसका उचित उपसमुच्चय तब कहलाएगा उस कंडीशन में कि जबकि उसका जो जिसका वो उपसमुच्चय रहेगा उसमें अधिक से अधिक अवयव हो। जैसे कि देखिए, जैसे कि ये जो है ये बी का क्या है, एक उचित उपसमुच्चय है। क्यों? क्योंकि बी में कुछ बहुत से ऐसे अवयव हैं जो कि मतलब जो है इसमें नहीं है, मतलब ये हमेशा छोटा होना चाहिए, जो उचित उपसमुच्चय होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब जो है इसके उचित उपसमुच्चय है। लेकिन ये जो है देखिए, अगर अगर इसकी बात की जाए तो ये इसका उचित उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें और ये जो बी जो हमारा है इसमें दोनों में अवयवों की संख्या क्या है, बराबर है। उचित उपसमुच्चय यही कहता है कि हमेशा ये जो समुच्चय बनेंगे हमारे उसमें कम से कम जो है अवयव होने चाहिए। तो इस तरह से आपका ये हो गया उचित उपसमुच्चय। तो ये जितने भी टिक लगे हुए हैं जो है ये सभी जो है बी के उचित उपसमुच्चय हैं, क्योंकि इसमें अवयव संख्या सदैव बी से कम है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसको बोलेंगे तो ये तो हमारा इसका उचित उपसमुच्चय है, लेकिन अगर हम इधर से बोलें कि ये इसका क्या है, तो ये जो बी है वो इन सब का अधिसमुच्चय है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये इन सब का अधिसमुच्चय है। आगे और क्लियर हो जाएगा ये जो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, यदि a बराबर 1 2 3 तथा b बराबर 0 1 2 3, तो क्या a b का उचित उपसमुच्चय है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जितने अवयव हैं इसमें एक ऐसा अवयव है जो इसमें नहीं है, इसका मतलब कि इसी में से ये इसके उपसमुच्चय है, लेकिन ये बराबर पूरा पूरा नहीं है, इसलिए इसको इसका उपसमुच्चय कहेंगे। कहेंगे हाँ ये इसका उपसमुच्चय है। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें जितने भी अवयव हैं वो हमेशा इससे कम है, इसीलिए उचित उपसमुच्चय है। आगे बढ़ते हैं, तथा बी ए का क्या है। भाई बी ए का यानी कि भाई ये तो इसका उपसमुच्चय हुआ, लेकिन अब कह रहा है कि बी यानी कि ये इसका क्या है, तो ये इसका अधिसमुच्चय है। तो हम यहाँ उत्तर जवाब देंगे अधिसमुच्चय है, क्योंकि वो उससे हमेशा अधिक है, तो ये हमारा क्या है, ये अधिसमुच्चय है। आगे है हमारा, यदि बी बराबर 1 2 3 तो पी भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए घात समुच्चय जो होता है पावर सेट, वो यही होता ही है कि इसके जितने भी उपसमुच्चय होंगे उन सब से मिलाकर हम समुच्चय बना देंगे, तो वो हमारे क्या होंगे, घात समुच्चय। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही उनके उपसमुच्चय को बना दिया है, अब इन सब को एक समुच्चय में लेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि b बराबर 1 2 3 तो p भी बराबर, यानी कि इसका जो घात समुच्चय बनेगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे पूरा लिख दीजिए। सबसे पहले पूरा एक कामा कामा करके पूरा लिख दीजिए, इस तरह से हम पूरा जितने भी इसके मतलब अवयव बने हैं, ये सिंगल हो गया, इसके बाद डबल भी जो है हो गया, और ये इस तरह से डबल भी हो गया, इस तरह से पूरा पूरा वाला भी हो गया। और अगर हम देखें तो इसके टोटल आठ आठ उपसमुच्चय होने चाहिए। तो अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 उपसमुच्चय हैं, और इन सब का एक समुच्चय हम बना देंगे, इनके बीच में कामा भी जरूर लगा होना चाहिए। अब ये हमारा जो पीपी है ये इसका घात समुच्चय, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आते हैं अब देखिए यहां पर हमें कह रहा है समष्टि समुच्चय, यहां तो हमें घात समुच्चय कह रहा था, पी बी मतलब घात समुच्चय पावर सेट, यहां समष्टि समुच्चय। तो देखिए किस समष्टि समुच्चय किसे कहते हैं, कि कोई विचाराधीन समुच्चय जब किसी अन्य बड़े समुच्चय के उप समुच्चय छोटे छोटे हों, तो उस बड़े समुच्चय को इस छोटे समुच्चय का समष्टि समुच्चय कहते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे देखिए जैसा कि देख सकते हैं इसमें ए कॉमा ई है, इसमें ओ है, इसमें आई यू है। अगर हम ध्यान दें थोड़ा जोर डालें तो हम देख रहे हैं कि ये अंग्रेजी वर्णमाला की स्वर है। अब जब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है तो जो पहले का जो समष्टि समुच्चय यू होगा उसमें जो भी अवयव आएंगे, तो हम जानते हैं चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला को ही निकाल निकाल ये सब छोटे छोटे बनाए गए, तो इसका जो समष्टि समुच्चय होगा वो होगा ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, दूसरे में है पहले वाले समुच्चय में ए कामा बी कामा सी, दूसरे में है पी क्यू आर, और तीसरे में एक्स वाई जेड है। अब ये छोटे छोटे समुच्चय अगर हम जोड़ डालें तो किस बड़े समुच्चय की ये उपसमुच्चय है,
तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के उपसमुच्चय हैं। तो यहाँ पर जो इसका दूसरा जो समष्टि समुच्चय होगा वो होगा पूरा ए बी सी, इस तरह से पूरा एक्स वाई जेड टोटल पूरा जो है ये हमारा जो है अंग्रेजी वर्णमाला के जो है कि अक्षरों के समुच्चय को हम लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरा पर, तीसरे को अगर हम देखें इसका समष्टि समुच्चय हम ज्ञात करें, देखिए इसमें एक दो है, इसमें तीन है और इसमें चार पांच है। तो ये किससे निकाल कर बनाया गया है, ये प्राकृतिक संख्याओं के प्रथम पांच संख्याओं से निकाल करके ये बनाया गया समुच्चय। तो इसका जो बड़ा वाला होगा उसको हम लिखेंगे तीसरा नंबर पे, सॉरी यहां पर लिखेंगे हम एक कामा दो कामा तीन कामा चार कामा पांच। तो इस तरह से हमारे सारे हो जाते हैं। उप समुच्चय भी हमने जाना, उचित उप समुच्चय और अधि समुच्चय जाना जो कि इसी से रिलेटेड है, इसके बाद घात समुच्चय जाना, समष्टि समुच्चय जाना। यहाँ पर एक और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो छूटा हुआ है, उसको समतुल्य समुच्चय बोलते हैं। समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय में क्या होता है, ए में अवयवों की संख्या बराबर बी में अवयवों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या बराबर बी में अवयवों की संख्या। तो अगर अगर दो दो समुच्चय हैं और दोनों में अवयव की संख्या बराबर है तो हम कहेंगे ए तथा बी क्या हैं, ए तथा बी समतुल्य समुच्चय हैं। तो इस तरह से हमारा टोटल समुच्चय का प्रकार सारा खत्म हो जाता है। आगे हम के क्वेश्चनों को हल करेंगे जो प्रश्नावली कक्षा 11 में जो कुछ दिए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।